मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आकर, और ये मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी फिल्म खुद शोकेस हो रही है, स्क्रीन हो रही है यहाँ पे धमाका। तो इससे पहले मैं फैन की तरह यहाँ पे बहुत बार आया हूँ दूसरी फिल्में देखने के लिए, पहली बार मैं अपनी फिल्म यहाँ पे लेकर आया हूँ। एंड आई एम सो ग्लैड कि इफ़ी ने ये हमारी फिल्म को शोकेस करने का वो लिया, डिसीजन लिया, और बहुत ऑनर है पूरी टीम के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि धमाका यहाँ पे शोकेस की जा रही है। ये बहुत अच्छी पहल है, बिकॉज ये काफ़ी ये सवाल आता है कि OTT या थिएटर, और मैं हमेशा से ये जवाब देता आ रहा हूँ कि थिएटर एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ये दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं, और अभी सिर्फ कंटेंट के पीछे सब जाते हैं, तो जहाँ पे भी कंटेंट प्लेटफॉर्म मिल जाए और लोग देखते हैं, सो एंड दोनों चीज़ें चलनी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबके लिए काम मिलता है और सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो बीट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या फिर थिएटर, मैं खुद थिएटर की भी फिल्में करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की भी फिल्में करना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि यहाँ पे ये फिल्म दिखाई जा रही है और यहाँ पे ऐसे शोकेस किया जा रहा है, और मैं पूरे फेस्टिवल को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि ये 52nd हमारा 52 फिल्म फेस्टिवल है, तो बहुत ही बड़ी बात है, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज भी किया गया है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑल ओवर, एंड थैंक यू फॉर